नमस्कार, मुंबई मंडल समाचार में मुंबई मंडल मध्य रेल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। आपके लिए फिर से लेकर आए हैं वह खास खबर जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मुंबई मंडल मध्य रेल पर रेल ट्रैक की मरम्मत तथा अभियांत्रिकी काम के लिए इस रविवार दिनांक 26 दिसंबर को मेन लाइन के अप और डाउन धीमी गति मार्ग पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और विद्याविहार स्टेशन के बीच सुबह 10:55 से शाम के 3:55 तक तथा हार्बर लाइन पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेकर चूना भट्टी तथा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से बांद्रा स्टेशन के बीच डाउन धीमी गति मार्ग पर 11:40 से शाम के 4:40 तक और अप मार्ग पर सुबह 11:10 से शाम के 4:10 के बीच मेगा ब्लॉक होगा। मेन लाइन पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेकर विद्याविहार स्टेशन के बीच धीमी गति मार्ग की यातायात सुबह 10:55 से शाम के 3:55 तक बंद रहेगी। ब्लॉक के दौरान धीमी गति मार्ग की सारी लोकल गाड़ियां छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और विद्याविहार स्टेशन के बीच तेज गति मार्ग से चलाई जाएंगी। ब्लॉक के दौरान सभी धीमी गति की लोकल गाड़ियां सिर्फ कुर्ला, सायन, माटुंगा, दादर, परेल और भाईखला इन्हीं स्टेशनों पर रुकेगी। तेज गति मार्ग की लोकल गाड़ियां अपने समय सारिणी के अनुसार ही चलेगी। मेन लाइन पर डाउन धीमी गति मार्ग पर मेगा ब्लॉक से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से छूटने वाली आखिरी लोकल 10:18 पर ठाणे के लिए रवाना होगी तथा अब धीमी गति मार्ग पर कल्याण स्टेशन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए छूटने वाली आखिरी लोकल 9:17 पर रवाना होगी। मेगा ब्लॉक के बाद डाउन धीमी गति मार्ग पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कल्याण के लिए छूटने वाली पहली लोकल शाम के 3:58 पर रवाना होगी तथा अब धीमी गति मार्ग पर कल्याण से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए पहली लोकल शाम के 3:07 पर रवाना होगी। हार्बर मार्ग पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और चूना भट्टी तथा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और बांद्रा स्टेशन के बीच डाउन धीमी गति मार्ग पर सुबह 11:40 से शाम के 4:40 तक और अब धीमी गति मार्ग पर सुबह 11:10 से शाम के 4:10 तक मेगा ब्लॉक होगा। मेगा ब्लॉक से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से पनवेल के लिए आखिरी लोकल सुबह 11:04 पर रवाना होगी तथा पनवेल से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए आखिरी लोकल 9:40 पर रवाना होगी। ब्लॉक से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से गोरेगांव के लिए आखिरी लोकल सुबह 10:22 पर रवाना होगी तथा बांद्रा स्टेशन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए आखिरी लोकल 10:20 पर रवाना होगी। मेगा ब्लॉक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से पनवेल के लिए पहली लोकल शाम के 4:51 पर रवाना होगी और पनवेल से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए पहली लोकल शाम के 3:28 पर रवाना होगी। ब्लॉक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से बांद्रा के लिए पहली लोकल शाम के 4:56 पर रवाना होगी। ब्लॉक के बाद गोरेगांव स्टेशन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए पहली लोकल शाम के 4:58 पर रवाना होगी। ब्लॉक के दौरान कुर्ला स्टेशन से लेकर पनवेल स्टेशन के बीच विशेष लोकल सेवाएँ चलाई जाएंगी। ब्लॉक के दौरान कुर्ला स्टेशन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की ओर जाने वाली यात्री उसी टिकट पर मेन लाइन से यात्रा कर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। याद रखिए, यात्रा करते समय आपको कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अगले हफ्ते फिर आपके सामने आएंगे अगले मेगा ब्लॉक की जानकारी लेकर। अगर आप रेल से जुड़े आपके किसी प्रश्न पर जानकारी देने वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। रेल तथा यात्री सुविधाओं से जुड़ी खबरों के लिए मध्य रेल मुंबई मंडल के इस ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।